बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नए सोने पर आपको वेलकम करता हूं दोस्तों। आज की वीडियो बहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के हवाले से है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दो वीडियोस में शेयर किए हैं, जिसकी लिंक मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वो वीडियो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। उन वीडियो में मैंने आपसे तफसील के साथ बात की हुई है कि बहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम में आपको कितनी रकम मिलेगी और कौन अप्लाई कर सकता है। तो अब ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस शुरू हो चुका है। पहले ये खिदमत कार्ड के हवाले से था, लेकिन अब ये चेंज होकर बहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम बन चुका है। तो इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे अपराध हैं जिनको आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ तमाम तफसीलात ही हवाले से शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट किया करें, ताकि नई आने वाली ऐसी हर अपडेट बर वक्त आपको मौसूल हो सके। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। नहीं तो दोस्तों, इस वक्त मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद हूं, ठीक है। एहसास पंजाब की ये वेबसाइट है जहां पर आप जो है ना इस पर अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आप पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के प्रोग्रामों में अहलियत के हामिल हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं अपना कोई भी शनाख्ती कार्ड नंबर है, ठीक है, वो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अगर आप अहल होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपने यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये जो कोड है, ठीक है, ये कोड आपने इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर क्या है जी, 243, इसको मैं एंटर कर देता हूँ, 243, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, तलाश करने के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कि मैंने एक डेमो कार्ड दिया था, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर हमारे रिकार्ड में मौजूद नहीं है, बराए मेहरबानी मंदरजेल प्रोग्रामों के तहत दफ्तर से रब्ता करें, ठीक है। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के प्रोग्रामों की तफसीलात यहाँ पर है जी, बहिम्मत बुजुर्ग, ठीक है, 65 साल से ज़ायद की उम्र की खवातीन, ठीक है, और यहाँ पर है जी 30, 18, 16 माशी खुशहाली का स्कोर है, ठीक है, और आपकी अहलियत का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर आपकी उम्र 65 साल या इससे ज़ायद है तो कौमी खुशहाली सर्वे में आप इंदराज के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी दफ्तर से रब्ता करें, ठीक है। तो ये जो है ना बड़ी अहम मालूमात यहाँ पर आपको दी हुई हैं कि अगर आपका अहलियत रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और आपकी उम्र 65 साल है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सर्वे जो टीम है, ठीक है, पहले सर्वे टीम थी लेकिन अब बहुत लोगों को मसाइल पैदा हो रहे हैं कि हम कैसे इस पर अप्लाई कर सकते हैं, तरीक़ाकार क्या है, ठीक है। और अगर आप इसके अहल हैं तो आपकी यहाँ पर कॉलम आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पर आपने इसकी तफसीलात देनी है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है जी, कौमी खुशहाली सर्वे में अपने दराज के लिए जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ऑफिस हर तहसील में मौजूद है, ठीक है, वहाँ पर जाकर आपने क्या करना है, सिंपल आपने वो जो भी बुज़ुर्ग है, ठीक है, जिसकी उम्र 65 साल से ज़ायद है, ठीक है, या 65 साल है, ठीक है, उनको आपने लेकर जाना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में जाना है। वहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं है तो। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ आएगा कि आपकी अहलियत का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन चूंकि ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है इसलिए आपने क्या करना है जी, आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो दफ्तर हैं, ठीक है, वहाँ जाकर आपने, लेकिन आपने असल शनाख्ती कार्ड आपने लाजमी लेकर जाना है, और तमाम कवायद जो हैं जो भी उनके घर से रिलेटेड हैं, ठीक है, वो भी आपने लेके जाने हैं, ठीक है, किसी घर उसी घर में कोई और शख्स ना हो जो इसका जो है ना रकम हासिल कर रहा हो, ठीक है। बाकी जो तफसीलात हैं नीचे वो अलहदा से हैं, ठीक है, वो है ज़ेवर तालीम, ठीक है, वो अलहदा से एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि सिर्फ डेरा गाजी खान बहावलपुर बकर चनियोड इसके मुंतखब अजला के जो है ना बच्चियों के लिए हैं, बच्चों के लिए जो कि मुंतखब 16 अजला के सरकारी स्कूलों में दाखिल बच्चे हैं उनके लिए हैं, ठीक है। और जो हम कदम मजाज मेडिकल बोर्ड से तस्दीकशुदा माजूरी जो भी माजूर अफराद हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा फोकस है बहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम, तो बहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने ये कैप्चा लिख देना है, ठीक है, जो कोड है, और उसके बाद आपने जी यहाँ पर आपकी अहलियत अगर आ जाएगी तो आप इसके अहल होंगे और आप इसको आप जो है कार्ड ले सकते हैं अपना, ठीक है, और ये आप जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जाएंगे, वहाँ पर आपने इंदराज करवाना है इसका। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।